का यह पेड़ बना अजूबा 25 साल में 10 फीट तक खिसक गया। दुनिया भर से देखने आ रहे हैं लोग। फलों का राजा आम किसे पसंद नहीं होगा। गर्मियों का मौसम आते ही लोग इसका इंतजार करने लगते हैं। इसकी कई प्रजातियां होती हैं जिन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाता है। कई लोग तो महीने भर जमकर आम खाते हैं, लेकिन आज हम आपको आम के एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो वर्षों से अजूबा बना हुआ है। चालतो आंबा चलने वाला आम के नाम से मशहूर इस पेड़ की खासियत है कि अपने मूल स्थान से कई मीटर दूर तक खिसक चुका है। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ भी कहीं खिसक सकता है, मगर यह 100% सच है। गुजरात के वलसाड जिले में आम की तमाम वाड़ियां मौजूद हैं, जिन्हें हम बगीचे भी कहते हैं। यहीं पर संजान में आम का यह ऐतिहासिक पेड़ मौजूद है। कई विशेषताओं को देखते हुए सरकार ने 2011 में इस पेड़ को हेरिटेज वृक्ष घोषित कर दिया था। यह गुजरात के 50 विरासत पेड़ों में से एक है। वन विभाग सुबह शाम इसका निरीक्षण करता है। दुनिया भर से हजारों लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ रहने वाले बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आम का यह पेड़ 1300 साल पुराना है। अब बीते 250 साल में 200 मीटर तक खिसक चुका है। वर्तमान में इस पेड़ के मालिक मोहम्मद ओसेफ वली मियां अच्छू ने बताया कि उनके जन्म के पहले से यह पेड़ वाड़ी में है। बचपन से ही वह इसकी देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपने पिता वली मियां अहमद से भी सुना था कि यह सदियों से आगे बढ़ रहा है। वन विभाग ने भी माना अजूबा। पेड़ के पास सामाजिक वनीकरण विभाग ने एक बोर्ड लगा रखा है, जिसमें एक इसके हेरिटेज वृक्ष होने की जानकारी दी गई है। यह भी लिखा गया है कि पिछले 20 से 25 वर्ष में ही यह पेड़ अपने मूल स्थान तकरीबन 3-4 मीटर यानी 10 मीटर तक पूर्व दिशा में आगे बढ़ चुका है। अफसरों के मुताबिक सामान्यतः पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, परंतु यह पेड़ ऊपर के साथ जमीन के समानांतर भी बढ़ रहा है। टहनियां जमीन से कुछ ऊपर उठकर तिरछी दिशा में बढ़ती हैं। धीरे धीरे ये जमीन में धंसने लगती हैं और पेड़ बन जाती हैं। इसके बाद इसमें आम लगते हैं और पुराने पेड़ की टहनी सूखती जाती है। इसका आम काफी स्वादिष्ट होता है और पकने पर लाल रंग का हो जाता है। वन विभाग ने इस पर गहन रिसर्च किया, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। प्रवासियों ने शायद इसे लगाया होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक माना जाता है कि समुद्र के तट पर संजार टोला को पारसी प्रवासियों ने उस समय बसाया था जब 936 में गुजरात में शरण के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। उन्होंने इस पौधे को लगाया होगा। इतिहासकारों के अनुसार पारसियों ने अपने मूल शहर ग्रेटर खुरासान में संजन के नाम पर हेमलेट कहा होगा। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी इसकी पूजा करते हैं। यह उनकी श्रद्धा का केंद्र है। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा था। कहा जाता है कि स्थानीय लोग पेट दर्द डायबिटीज में लोग आम के पत्ते तथा पेड़ के छिलकों का उपयोग करते हैं और दावा है कि इससे ठीक भी हो जाते हैं।